Yo! Disco 5 algo. A me crede. Va a credere. Chili. Oh, sorry. ये वाहियात किस्म का इंसान क्यों बुलाया आपने? जी नाज़रीन, हम पॉडकास्ट का फिर से आगाज करते हैं क्योंकि होस्ट हमारे थक चुके हैं, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ये बक चुके हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक हमारा खुद ही क्या कहते हैं उसको, सेल्फ मेड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनके नतीजे में कुछ रिजल्ट हमारे सामने आए। साइंटिस्ट सुहेल रजा आपको उस पर रोशनी डालेंगे। मेरी आंखों की रोशनी भी थोड़ी थोड़ी जा रही है, इसलिए हम कहेंगे जल्दी जल्दी डाल दें। ये टॉर्च डाल सकता हूँ रोशनी? हाँ, आप इस वक्त लाना डालेंगे लोग, आप जो हरकतें कर रहे हैं इस तुक की बात करने से मुझे। तो यह है कि पूंडी, एवरीबडी सेज से नो टू पूंडी, कि पूंडी नहीं करनी चाहिए। हम भी ये कहते हैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो रही है भाई, रियलिटी है, हो रही है। अब लोग ये कहते हैं नहीं होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रही है, ये भी एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखें ना, तो एक वैलिड रीज़न है कि जो बंदा पूंडी करता है, मैंने भी कभी नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन जो करता है यार, उस बेचारे अकेले का कसूर नहीं है, ठीक है, वो किसी वजह से करता है, ठीक है। अब वो क्यों करता है ये पहले जरा ये साइंसदान बताएगा ना, इसने क्या ऑब्जर्व किया। हाँ जी, देखिए जी, पूंडी जो है ना, उसका वर्ड जो है ना, ये डिक्शनरी में नहीं मिलता, सीधी बात है। इसका जो मतलब है ना, वो है आंखों की ठंडक। आंखों की वो मैंने ठंडक से आंखें डाल दिया, लेकिन आंखों की ठंडक है। जब तक आप नहीं करते, आपको ठंडक नहीं मिलती। ठंडक यहाँ से होती है, दिल पे उतरती है और सीधा सच्चा प्यार हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, कोई ऐसी बच्ची नहीं जिससे मुझे सच्चा प्यार ना हुआ हो। 17-18 बच्चे जिनसे सच्चा प्यार हुआ है, और लानत ना भेजो, मैं तुम्हारे ऊपर पाँव की लानत भेजूंगा। लाख लानत तुम। ये मैं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता हूँ, ये कारोबार को प्यार में मिक्स कर रहे हैं आप। सर देखें, क्लाइंट्स थे आपके, ये जी बंगिया मार रहे हैं, फोटोग्राफर थे, आपसे तस्वीरें खींचते थे, आपके पास कैमरा अच्छा था तो आपको मुंह लगाती थी, प्यार कोई नहीं था किसी को आपसे। प्यार था, मुझे प्यार से बुलाती थी, सुहेल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये प्यार ही कोई क्यों बुलाए बुलाए। और कैमरे को आप एक दफा छोड़ देना। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। पूंडी देखे, पूंडी जो है ना, उससे आंखों की ठंडक होती है। और मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो कैमरे के पीछे सिगरेट पी रहे होते हैं और बैठकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो ऐसे ठरक किस्म के बंदे होते हैं, वो जाते हुए बता देते हैं कि अंदर जो चीज है वो किस कलर की है। यार निहायत ही फजूल बात है, आपको आंखों की ठंडक पूरी करनी है ना, सिर्फ गुलाब का अर्क मिलता है किसी भी मेडिकल स्टोर से, वो डालने या पुडी करने की आपको क्या जरूरत है। फजूल रीजन दिया, रीजन ये है कि देखें, आपका एक बॉडी का सिस्टम है नेचुरली, वो एक सर्टन एज पे आपको वो चीजें आपकी बॉडी के अंदर रूनुमा होनी शुरू हो जाती है। सर वो आप इसलिए बात कर रहे हैं, आपको लगता है बालिग नहीं हुए अभी तक। बालिग होते तो आपको पूंडी का असल मतलब पता चलता, पूंडी का असल मतलब क्या है। या फैसला करें कि बालिग कौन है कौन नहीं है। सर मैं कहता हूँ पूंडी एक इंतहाई अच्छी चीज़ है, आपको करनी चाहिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और कभी कभार पूंडी करते कोई बच्ची सेट भी हो जाती है और यस भी हो जाता है उससे काम। इसलिए आपको अगर अभी तक कोई मिली नहीं है तो आप मेरे साथ आए, नहर पे बहुत सी ऐसी चीज़, नहीं वो तो नहीं, वो कोई और ही होती है, नहीं उनकी पूंडी नहीं करनी नाजिन आपने, वो बिल्कुल अंदाजा कर लें कि ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं और पूंडी इनको वहाँ तक लेके गई है। मैंने नहीं की, इसलिए मैं यहाँ से पढ़े लिखे पर्सपेक्टिव से। सर झूठ बोल रहे हैं, अभी कल रात की बात है, इन्होंने घर शिफ्ट किया अपना, मुझे कह रहे थे आज हम साथ वाले घर की बच्चियाँ बड़ी टैट आई हुई हैं, तो अब झूठ बोल रहे हैं आपको जो अंदाजा लगा है। जो इन्होंने फंबल किया है वो सबूत है इस बात का कि इन्होंने बोला है झूठ। मैं वो आपके वर्ड याद कर रहा था कि एग्जैक्ट वर्ड क्या थे। याद नहीं, आपको अपनी भी पुरानी चीजें याद हो रही हैं, आप मेरे ऊपर तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। है पूंडी, इसलिए एक नौजवान या कोई लड़का या लड़की पूंडी की तरफ इसलिए रागिब होते हैं कि आप उनको एक सर्टन एज पे एजुकेट नहीं करते कि भाई इस एज में ये चीजें आपके अंदर डेवलप होती हैं, और ये जो है दबाने वाली नहीं है, लेकिन इनको चैनलाइज करने की जरूरत है। वो आप सही टाइम पे नहीं करेंगे तो आप ऐसी चीजों में, ऐसी एक्टिविटीज में ऑटोमेटिकली पड़ेंगे, क्योंकि एक चीज आपके अंदर नेचुरली बिल्ट इन है। आप अपने दिमाग को कितनी कमांड दे देंगे कि नहीं 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 देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, अनटिल अनलेस वो कोई मुतकी परहेजगार आदमी ना हो, वो देख लेता यार बंदा इंसान ही है। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो करनी चाहिए। पहले बंदा वेट करे कि भाई मुझे सिग्नल मिले और बात दिमाग तक पहुंचे, मैं उसको सोचूं करूं ये वो, तो लिहाजा आप फौरन ही अमल कर लें उस पे, पूरी कर लें। काश आपने बायो पढ़ी होती, आपको पता लगता। सर मैंने बायो पढ़ी है, मुझे पता है कि किसी चीज के वाइब्रेट होने से आवाज पैदा होती है। तो आप मुझे ये मत सिखाएं कि बायो में 2+2=7 होता है। मैंने सब पढ़ा है भाई, बहुत जहीन और अकलमंद हूँ मैं, वकील भी रहा हूँ और मैंने जो है वो सेक्रेटरी के
साथ ना नुक्कड़ पे मैंने रिक्शे वाले के साथ छुआरे भी लगाए हुए हैं जी, तो ये इतनी तलाके भी मैंने बहुत सी करवाई है निकाह नामे के ऊपर। ये कौन है? ये क्लाइंट है आपका पुराना? ओ, ये मेरा क्लाइंट है, तो इसको मैं पूंडी की तो लिहाजा लिहाजा ये है कि पूंडी कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है नाज़रीन, अच्छी चीज है। तो ये देखें ये क्या चीज बनी हुई है, ये वो सारे मेरे क्लाइंट हैं जो आज सक्सेसफुल हो चुके हैं पूंडी करते करते। देखें सबके कितने रंग बदल गए, देखें नीचे से उनका क्या हाल है, नीचे बकायदा चोर है सर। ये देखे ना, ये फैल चुकी है, इतनी फैल चुकी है। ये इधर देखें, पूंडी नहीं करते, आर्टिकल अखबार वाली शर्ट पहन के आ गए, सारे आर्टिकल छुपाए हुए हैं। इल्म की ताकत है, ये मिट नहीं सकता जितनी मर्जी आप भाई लानत ऐसे इल्म पे शर्ट के ऊपर स्टार ही उल्टा लिखा हुआ है भाई। ये आर्टिस्ट का काम होता है ना, वो अपने सर तो पूंडी वाला भी बंदा आर्टिस्ट होता है इतनी गर्मी में। अब मैं आपको बताता हूँ, स्कूल लाइफ की बात है ठीक है ना, तो और बड़े मेरे दोस्त होते थे और वो जो पूंडी करते थे बच्ची के पीछे, बड़े नहीं होते थे। मैं एक बात क्लियर कर दूं, इनके बड़े बड़े कोई दोस्त नहीं होते थे, इनका जितना साइज है ना सारे छोटे छोटे होते थे, बड़ा दोस्त कहाँ से होता सर। होते थे मेरे बड़े दोस्त, वो तकरीबन मुझसे इतने बड़े होते थे और वो जाते थे पूंडी करते थे। इतनी गर्मियों में लड़की के पीछे जाना हिम्मत की बात है भाई। ये उन लोगों को होता है जिनमें जज्बा होता है, जुनून होता है, जज्बा जुनून तो पूंडी तो कर जी। काफी काफी ड्रैग हो गया, आप कंक्लूजन की तरफ ये आते हैं नाज़िम। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब आपका दाल लगे, जब आपका दिल करे, आप पूंडी करें, इनकी बातों पे नहीं जाना। ये जो वैसे ही जहनी मरीज है, इनकी सेहत से आपको पता लग रहा है, और ये इसके हक में नहीं है, जबकि इनको इसके हक में होना चाहिए पूंडी कर करके, तो इनकी सेहत का ये हाल हुआ है। नाज़िम इनकी बकवास के साथ मैं आपको एक अहम इत्तला देता हूँ कि आप पूंडी से परहेज करें, और जब इस एज पे पहुंच जाए तो कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ साथ अबू से भी थोड़ी दोस्ती करें, ताकि इन चीजों के बारे में आपको मालूमात पहले से फराहम हो सके और आप गलत कामों में पड़ने से बच सकें। इसलिए से नो टू पूंडी अनटिल और अनलेस यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है सर, पूंडी करें, ये मेरा आपसे वादा है, आपको बहुत फायदा होगा। आप तो कैमरा बंद करें यार, ये चुप नहीं करेंगे इनका। पूंडी आपको करनी चाहिए, पूंडी हमारा कौमी हक है ठीक है, इससे बहुत कुछ फायदा होता है, ना फायदा हो तो पैसे वापस ले लेना ठीक है। तू अपने लेके जाइए, अपना 150 वापस ले, खत्म कर दे सर, खत्म कर लो, टाइम हो गया पूंडी दा, मैं बच्ची दा टाइम ही चुकन जाना है। ओए ओए ये जिसका उसको वापस करें, मैं भी शो मार गिफ्ट हुआ है, गिफ्ट मिला है पूंडी की वजह से मिला है।